और सामान वगैरह भी बाहर आ गया और मिट्टी वगैरह ऊपर गई है और गाड़ी हमारा वेट कर रही है और फिर हमारी मदीने की तरफ रवानगी है, क्योंकि मदीने से बुलावा रहा है। दूर से जब वो मीनार नजर आएंगे ना, तो आप सोचें कि वो लम्हे क्या होंगे। मैं तो वो फील करके ही बस दिल को खुश हो रहा है। ये कहना आका बहुत से आशिक तड़पते से छोड़ आया हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूँ इसमें मक्का मुअज़्ज़मा में। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए कैसे अब हरम की तरफ जा रहे हैं और आज हमारी रवानगी है मदीना शरीफ की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह आपको बता नहीं सकता हूँ कि क्या फीलिंग है और मक्का से जाने की भी। और हमें हमारा तो माइंड है था कि हम 2 बजे निकलेंगे, 3 बजे निकलेंगे दोपहर के, मगर हमें कहा गया है कि नहीं भाई, आपने 7:30 बजे आपने रेडी रहना है, ठीक है। और खुशी तो इंतहा की है अल्हम्दुलिल्लाह, बता नहीं सकता हूँ कि हर इंसान की क्या खुशी हो सकती है। और सुबह फजर का टाइम और ठंडी ठंडी सी हवाएं और तकरीबन 4 बजे 4:15 बजे का टाइम है और ये आप देखें ज़रा माशाल्लाह। बहुत तकरीबन 3 दिनों से ना मगरिब के टाइम से पूरी रात ठंडी हवाएं जो सी है ना चलना शुरू हो जाती हैं और गर्मी का बाहर एहसास नहीं होता। दिन को गर्मी होती है और मगर रात को बहुत सुकून है। आप आराम से चहलकदमी कर सकते हैं, ज़ियारात कर सकते हैं जो करीब करीब हैं, ठीक है। और आज फिर मदीने का बुलावा मदीने की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह हर एक मोमिन आशिक रसूल का ये एक सोच होती है कि बस किसी तरह मदीना शरीफ में पहुंच जाऊं। और जब भी आप आएँ तो अलग ही एक फीलिंग होती है। अल्लाह ताला यहाँ पर सबको बार 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 अपनी बारगाह में काबतुल्लाह की ज़्यारत करने की तौफीक अता फरमाए और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला सब की नेक जाए तमन्नाओं को कबूल फरमाए। जिन लोगों ने भी दुआओं के लिए किया है, जो कमेंट्स में कहते हैं मालिक मौला, उनकी भी अल्लाह ताला सब की दिली नेक जाए तमन्नाओं को कबूल फरमाए। आप ये मंज़र देखिए, अल्लाह का लाख लाख करम है जिसने अपने दर पे बुलाया। जितना शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है। और अब हम जा रहे हैं अंदर की तरफ और मिसेज जाएंगी मताफ में और मैं जाऊँगा अंदर, ठीक है। क्योंकि मैं इहराम की हालत में नहीं हूँ तो इस वजह से मैं अंदर नहीं जा सकता, ठीक है। अगर आप अंदर जाना चाहते हैं मताफ में खाना काबा की आप ज़ियारत करना चाहते हैं तो फिर आपको इहराम बांध कर आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। ये एक छोटा सा काम करना पड़ेगा फिर आप अंदर जाके भी तवाफ़ कर सकते हैं मताफ में जाके। और माशाल्लाह ये नज़ारे ये बहारें अल्लाह ताला सबको नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें भी बार बार ये हाज़रियाँ नसीब फरमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह।
क्या बात फीलिंग। हाँ हाँ हाँ, यहाँ की एक स्मेल ही अलग है, खुशबू। फिर इस खुशबू को ना काफ़ी देर तक इंसान महसूस करता रहता है कि ये खुशबू। हाँ हाँ, फिर दोबारा से मिल जाए किसी तरह। हाँ, الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا फर्स्ट फ्लोर में जा रहे हैं और वहीं पे जाके नमाज़ पढ़ेंगे आज फजर की और ज़ोहर की पढ़ेंगे मदीना शरीफ में। अल्लाह अकबर, मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। ये टॉप फ्लोर पर आ गए हैं, बिल्कुल सबसे ऊपर। ठीक है, चलें। कुरान पाक भी है मेरे पास और आज फजर की नमाज इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे बिल्कुल टॉप पर। हमारे हमसाए हैं, उन्होंने कुरान पाक का कहा था और ये कुरान पाक अब हम खाना काबा में रखेंगे। ठीक है, ये हमें मिला है 20 रियाल का। ठीक है, ये अब मैं जगह ढूंढ रहा हूँ कि इसको पहले रखना है, फिर उसके बाद अल्लाह अकबर, क्योंकि मैं तो आ गया हूँ सीधा ऊपर और ऊपर कुरान पाक की जगह 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 देखनी पड़ेगी कहाँ पर इसके स्टैंड है जहाँ पर कुरान पाक रखा जाता है। आगे चले भी हमें जगह मिल गई है। अब ये इस नीयत के साथ अल्लाह ताला इस मकसद के लिए कहाँ गया है, अल्लाह ताला उस मकसद को पूरा फरमाए। और ये ले दी, ये रख दिए और अल्हम्दुलिल्लाह ये रख दिया। अब हम भी फजर की तैयारी करें आप, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ये बिल्डिंग देखें आप, माशाल्लाह क्या नज़ारा है इस बिल्डिंग का, माशाल्लाह माशाल्लाह सुभानअल्लाह तबारकअल्लाह। हमें नमाज के लिए जगह तलाश करनी पड़ रही है, यहाँ पर हम बैठते हैं, ये है जगह। और क्योंकि बाहर पढ़ने नहीं देंगे और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, सुन्नत अदा करते हैं, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह फिर हम नमाज फजर अदा करेंगे। क्या बात है भाई, क्या बात है, ये तो एक अलग ही बिल्डिंग नज़र आ रही है। हाँ, जैसे एक मलेशिया में है वैसी ही। हाँ, उस तर्ज की। ठीक है, ये आर्च बनी हुई है जैसे मदीना शरीफ की वो आर्चे हैं ना, तो उस तरह की बनी हुई है आर्च। और अब इंशाअल्लाह ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे मदीना शरीफ में, क्योंकि मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले रखा है। फजर की नमाज के बाद बाहर का रास्ता वापसी का खरूज बन रहा है, दिस फॉर्म। और ये देखिए जी, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, क्या बात है। अब हम अपनी बेगम का इंतज़ार करेंगे क्योंकि वो अंदर मताफ़ में गई हैं तवाफ़ करने के लिए, और खुश नसीब है वो भी माशाल्लाह से। अब बस कुछ ही देर में इंशाल्लाह मदीने के लिए रवानगी है। और रौनक देखें आप यहाँ की, माशाल्लाह माशाल्लाह, मंज़र यूँ नज़र आता है जैसे रमज़ान का। हाँ,
और इतना रश रबी अव्वल के महीने में। अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी नसीब हुआ है। क्या बात है जी, ये जो वक्त है ना, जैसे सूरज निकल रहा है रोशनी हल्की हल्की सी, हाँ सुबह तायबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे दाल सदका नूर का। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हम अपनी बेगम का इंतज़ार करेंगे, 6 बजे का टाइम दिया है और तकरीबन कोई 15 मिनट पड़े हैं और अब इंशाल्लाह यहाँ पर बैठते हैं और ज़्यारत करते हैं और तस्बीहात भी करेंगे इंशाल्लाह, फिर मदीने की तैयारी। यहाँ जी एटीएम की कुछ मशीनें लगी हुई हैं, यहाँ से लोग एटीएम से पैसे रियाल वगैरह निकालते रहते हैं और सहूलतें हैं यहाँ पर काफ़ी, मगर पाकिस्तानी करेंसी जो है ना बहुत डाउन कर रही है। यहाँ पर अगर आप रियाल चेंज करवाएं ना, पाकिस्तानी करेंसी चेंज करवाएं, तो पाकिस्तान से महंगी पड़ती है। हाँ अगर आपके पास कोई रियाल बच गए हैं वापसी पर, तो आप यहीं पे चेंज करवा के जाएं ताकि आप फ़ायदा लेके जा सकें। तकरीबन 6 से 7-8 हज़ार का फ़ायदा ले सकते हैं आप अगर आप यहाँ से चेंज करवा के जाते हैं रियाल, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान जाके करवाएंगे तो वो फिर आपको उतने के मिलेंगे, अगर यहाँ से करवाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। और सामान मेरा भी बाहर आ गया और मुझे ज़रा ऊपर गई है और गाड़ी हमारा वेट कर रही है और फिर हमारी मदीने की तरफ रवानगी है, क्योंकि मदीने से बुलावा रहा है। ये मक्के की फिर आए इंशाल्लाह, फिर 15 से 16 दिनों बाद इंशाल्लाह फिर यहाँ पर आएंगे इंशाल्लाह, और तहर अली से फिर हम करेंगे उमरा और अब सिर्फ मदीने की तरफ रवानगी है इंशाल्लाह। हम वेट कर रहे हैं, जैसे वो बेगम आती हैं फिर हम चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बस हमें मदीना शरीफ लेके जाएगी और सामान मेरा हमने रख दी है और ये रह गए माशाल्लाह ये, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम जा रहे हैं खैरियत के साथ मदीने के लिए मैं कहता हूँ क्या बात है माशाल्लाह, और लाइफ का सबसे अच्छा सफ़र ये सफ़र मदीने का हर बार बड़ा सोना। दुआ करता हूँ कि जो भी भाई देख रहे हैं उनको भी और मुझे भी ये बार बार सफ़र की तौफीक अता फरमाए, बाअदब हाजिरी नसीब फरमाए, और इंशाल्लाह नाते पढ़ते जाएंगे और अश्क बहाते जाएंगे और या रसूलल्लाह ये गुनाहगार आपकी बारगाह में हाजिर हो रहे हैं, करम फरमा लीजिए और चोलियाँ भर भर के इंशाल्लाह लेकर जाएंगे और फिर आते रहेंगे इंशाल्लाह फिर हाज़री के लिए इंशाल्लाह, उससे पहले इंशाल्लाह हमने जाना नहीं है जब तक हमारी दोबारा हाज़री की मोहर ना लग जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप भी दुआ कीजिएगा भाई के लिए और मैं भी आपके लिए सबके लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला जो भी दिलों के अंदर आप लोगों की ख्वाहिशात है नेक जायज अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए और हमारे सफ़र के लिए भी दुआ कीजिएगा, ठीक है। और इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा कि रियातुल जन्नत के लिए परमानेंट भी हमारा फाइनल हो जाए हमारा, ठीक है। और वो भी बड़ा ख़ास है हमारे लिए, जैसे एक हजरे अस्वद का बोसा करना भी है, वहाँ तो बस बहुत मुश्किल है हजरे अस्वद का बोसा करना, जो करते हैं वो ज़रा बेअदबी में चला जाता है, बहुत सख्त मामला हो जाते हैं वहाँ पर। और अल्लाह ताला जितने भी हमने अभी उम्रे किए हैं और वापसी भी इंशाल्लाह करेंगे अल्लाह ताला उसको भी कबूल फरमाए, और अब चलते हैं और सफरे मदीना के वो नज़ारे देखते हैं। ये लम्हात ना मेरे ख्याल से मेरी मेरे ख्याल मेरी लाइफ का सबसे अनमोल जो है ना ये
ख्वाहिश करता है कि भाई मैं सिरे से पहुंच जाऊं वो सफ़र। कहते हैं ना मैं मदीने चला, जिसने मदीने जाना कर लो तैयारियां, बेड़ा मदीने वाला लैंदा पिया तारियां, और इंशाल्लाह नाते पढ़ते जाएंगे और सरकार की मदद करते जाएंगे। और इस टाइम बस 3 से 4 सीटें रह गई हैं कंप्लीट होने में, वो जैसे कंप्लीट होंगी तो इंशाल्लाह फिर सफ़र मदीना के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र मदीना का आगाज़ हो चुका हुआ है और अब इंशाल्लाह मदीना मदीना करते हुए अब इंशाल्लाह मदीना पहुंचेंगे। और टाइम आपको बता दूं तकरीबन हमें 2 से 3 मिनट हो गए हैं, यानी कि 8:32, और समझ लें कि 8:30 हम मक्का से निकले हैं, और देखेंगे कि कितने बजे हम पहुँचते हैं। और नाते पढ़ते जाते हैं से आशिक तड़पते से छोड़ आया हूँ मैं, ये कहना आका बहुत से आशिक तड़पते से सुबह आया ना शाम आया। ये देखिए जी माशाल्लाह मस्जिद आयशा, वाह वाह क्या बात है, मदीने के रास्ते में माशाल्लाह 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 ये गुस्सा खाने हैं। और यहाँ से भी आके भाई ने उमरा किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा एहसान है इसने हमें ये तौफीक दी। रिफ्रेशमेंट के लिए अभी बस ने रोका है और ये यहाँ पर बाहर कुछ नाश्ते वगैरह का कोई एहतमाम है,
आलू चने हैं। कितना दे रहे हो यार? 5,000। 5,000 भाई, 5,000। और पराठा अंडा ये ज़रा बेटर है, पराठा वगैरह पूछ लेते हैं अगर कोई समझ में आया तो। ओके, ये कितने कितने का है? अंडा पराठा 5 का है। अंडा पराठा 5 का है, अंडा पराठा। और पकाया, अंदर देखते हैं कि अंदर क्या माहौल है। ठीक है, और यहाँ भाई भाई ने लगाए हुए हैं कुछ सरेंटीज, नीमको वगैरह, बादाम, सरेंटी। अदा कितने का? 15 ले लो। किस तरह? 5 रियाल, 10 रियाल चिप्स है। चिप्स है जी। 5 रियाल कितने का आएगा? आधा पाव आएगा। ओ भाई, आधा पाव 5 रियाल का आएगा। ये पिस्ता, और ये पिस्ता किस तरह है? पिस्ता 1 पाव 15 रियाल। 1 पाव 15 रियाल। और ये बादाम सेम। ये काजू भी, ये 200 ग्राम 10 रियाल। अच्छा, 200 ग्राम 10 रियाल। ये 1 पाव 10 रियाल। अब आप खुद ये अंदाज़ा लगा ले 5 रियाल कितने के बने। वो आएंगे 100 ग्राम। एक्सपेंसिव नहीं है मेरी, अंदर का ये माहौल है और रिफ्रेशमेंट के लिए। और यहाँ के बनाना देखें ना, कितने कितने बड़े हैं केले, ये देखें। वैसे फ्रेश अंडा देने को डालना चाहिए। ये मुर्गी का अंडा के बतख क्या है? मुर्गी का के बतख क्या है ये तो बताओ ना यार। ये 70 मुर्गा का है। हां देखा, हां अरे अंदर ऐसा बदले वाशरूम लेडीज अंदर ऐसा वाजो अंडे पराठे वाले, इधर आज अंडा पराठा इधर मिलेगा, या हाथी अंडा पराठा इधर मिलेगा। ये चीज नोट करने वाली है, अंडे पराठे वाले इधर, 70 मुर्गा का अंडा है ये। खा पी लो, सफर अभी बाकी है, खा पी लो अंडा पराठा हिसाब। आज ही हम अपनी बेगम को ना शुतुरमुर्ग का अंडा खिलाएंगे। सही बताओ, शुतुरमुर्ग ही है ना? हाँ, शुतुरमुर्ग है। और देखते हैं क्या फीलिंग होती है। 5 रियाल का अंडा पराठा है। वैसे मुर्गी अंडा भी रखना चाहिए यार आपको। यार कहाँ से हो आप? बावलपुर से हो? लो जी, बावलपुर वाली बंदी, बंदे ने पहचान लो। और चले भाई, सफ़रे मदीना है तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आसरा तो हो ही जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, शुक्रिया, बहुत अच्छी जगह पे हो आप। ये आ गया जी अंडा पराठा, ये और ये लेके जाएंगे हम मिसिस के पास और देखते हैं क्या कहती है मिसिस। ठीक है, ये जा रहा है भी मिसिस के लिए अंडा पराठा। और अंडा पराठा कमाल शुतुरमुर्ग का आज फर्स्ट टाइम खाएंगे मिसिस। अल्लाहु अकबर। ये लो भाई, आओ जो साथ, अंडा पराठा आपका, खाओ इंजॉय करो। हाय हाय, कर दो जोर से। वाह, बोतल भी हमारी मिसेज ने हैंग कर ली। खाओ बिस्मिल्लाह। ले रही यहाँ पर चने, चिप्स और पकोड़े नहीं है भाई। और चने ले लें फिर, चने आलू बड़े कम हैं इसके अंदर। और ये चाय है, ये देखिए भाई, गर्मा गर्म चाय। और मैं आलू चने लेने के लिए आया हूँ, आलू चने लेते हैं भाई।
यार जवान इधर आ जाओ यार। और आलू चल ये दो यार, ज़्यादा सारे डाल देना जवान, ज़्यादा सारे थोड़े से और डाल दे यार। मैंने कहने के बगैर ज़्यादा दे दिए। ओए 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 कहने के बगैर दे रही हैं। थोड़े कितने रियाल? 5 रियाल ऐसा। और ये 5 रियाल है। पराठा भी 5 रियाल है, आमलेट पराठा शुदर मुर्गा। ये लो तो जी हमारे तो आ गए हैं चने 5। जज़ाकअल्लाह खैरा। यहाँ पर ज़रा ना थोड़ा सा चेक के देखने ज़रा कैसा है ताकि पता भी तो लगे ना भाई। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। भाई साहब उधर बैठो। बस ठीक है काम चलेगा यार, वो पकौड़े बन रहे हैं भाई। ये भी जा रही है जनाब प्लेट, अब ये भी लेके जाएंगे ठीक है। आलू चने ही अभी तकरीबन 3-3.5 घंटे का सफ़र है। यहाँ से कोई 550-600 किलोमीटर है मदीना मक्का से। और देखिए
आने वाला है, मदीना आने वाला है, मदीना आने वाला है, मदीना आने वाला है, मदीना आने वाला है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मदीना आ गया। जब वो मीनार नजर आएंगे ना, तो आप सोचें कि वो लम्हे क्या होंगे। मैं तो वो फील करके ही बस दिल को खुश हो रहा है। अल्लाह अकबर। जैसे इंसान कोई किसी को तलाश कर रहा हो ना, ढूंढ रहा हो कि किस तरफ से वो एकदम आ जाए नजर, तो यूं फीलिंग हो रही है। بادب حاضری اللہ تعالی قبول فرمائے، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نبی اللہ۔ یہ دیکھ کھجوروں کا باغ، یہ ہے ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ ہمارا بھی الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سرزمین مدینہ شریف، یا رسول اللہ حاضر ہے، گناہگار حاضر ہے، حاضر ہے، گناہگار گناہگار آ گیا ہے۔ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ بیبی بس ہمیں آگے لے آئی ہے اور چلے بھائی، اب ہمارا روڈ ہے پیدل، اور پاس ہی بھائی کہہ رہے ہیں انوار التقویٰ، چلتے ہیں اب وہاں جا کے ملتے ہیں آپ سے۔